बच्चों को पढ़ाना है तो घर की नारी सरस्वती का रूप धारण कर ले, बेटे बेटी को सिखाए कि बेटे ईशान कोण की तरफ मुंह करके पढ़ोगे, पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाएगा। परीक्षा देते समय बेटे बीच बीच में जीभ को ऊपर तालों में लगाए रखोगे तो पढ़ा हुआ याद आएगा, पेपर अच्छा जाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। इसलिए परीक्षा के समय जीभ को तालों में लगाए रखना, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में। कई बच्चे घबरा जाते हैं पेपर देखते ही, तो घबराहट में बेचारे घर से जो याद करके आए भूल जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है ना बच्चों का, बेचारों का रिजल्ट नहीं आएगा बढ़िया। तो बच्चों को ये सिखाना, ईशान कोण की तरफ मुंह करके पढ़े, बीच बीच में जीभ तालू में लगा दें, घबराहट ना हो, और सरस्वती माँ का मंत्र बापूजी से उनको दिला दें, वो जप करें तो सफलता मिलेगी। वीरेंद्र मेहता नाम का विद्यार्थी अंग्रेजी में कमजोर था, हरियाणा रोहतक में, माँ ने उसको बापूजी से सरस्वती मंत्र दिला दिया, तो जो अंग्रेजी में कमजोर था वही विद्यार्थी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 80,000 शब्द पेज नंबर के साथ याद करने में सफल हो गए। जीटीवी वालों ने इंटरव्यू लिया, वो बिना देखे बता दे कि अमुक शब्द अमुक पेज नंबर पे देख लो। तो उन्होंने पूछा जीटीवी वालों ने, आपकी ऐसी याद शक्ति बढ़िया कैसे हो गई? उसने कहा, मैंने बापूजी से सरस्वती मंत्र लिया है, उसका मैं रोज जप करता हूं, उसी के प्रताप से मेरी स्मरण शक्ति ऐसी बढ़िया हो गई है। तो अपने बच्चों को पढ़ाना है तो घर की नारी सरस्वती का रूप धारण कर।